नमस्कार दोस्त, हम अपने क्वालिटी के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम क्वालिटी का ही डिस्कशन कर रहे हैं, जो घटना चक्र है, घटना चक्र उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, भारतीय संविधान में जो है भाग विषय अनुच्छेद, भाषाई आयोग या समिति, विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि, नागरिकता जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स और भारतीय जो है नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार, एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स, मूल अधिकार कुल जो है थोड़ा सा देखेंगे उसको इसके बाद जो है डिस्कशन जो हम करेंगे उसको इसको डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे DPSP भी बोलते हैं, और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। तो बिना लेट किए हुए हम आइए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है भारतीय संविधान, ठीक है, जिसमें हम भाग विषय और अनुच्छेद की बात करेंगे, ठीक है। तो जो भाग नंबर एक है, भाग एक हम यहाँ पर सिर्फ एक लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे एक भाग एक में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है भाग एक में। ये मोटा मोटा इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ये आर्टिकल 1 से 4 तक है इसमें। और भाग दो की बात करें तो नागरिकता आता है, नागरिकता इसमें ये कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग तीन की बात करें अगर हम तो मूल अधिकार आता है, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है तो 12 से 35 तक है, इसको याद रखिएगा 12 से 35। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था PCS में, पिछली बार शायद 2019 में आया था, जबकि याद नहीं आ रहा। और भाग चार की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। और फिर भाग चार ए की बात करते हैं जो है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक है, ये 51A तक है, 51A में है, ठीक है, इसको हम यहाँ तक डिस्कशन करेंगे। और भाग अगर हम यहीं तक की बात करें अभी हम, क्योंकि अभी हमें जो डिस्कशन करना है वो यहीं तक डिस्कशन करना है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो मूल कर्तव्य। तो चलिए आइए देख ही लेते हैं। अब भाग पांच की बात कर लें अगर हम, पांच में क्या है कि संघ है। अब संघ जो है इसमें जो है पांच चैप्टर है, मतलब ये हुआ कि संघ के अंतर्गत कार्यपालिका है। अब अच्छा, ये संघ कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 52 से 151 तक। इसका मतलब इतना अगर ये लंबा आर्टिकल है तो इसमें कई चैप्टर होंगे। तो इसमें जो चैप्टर है, पहले आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो 52 से लेकर 78 तक है। और उसके बाद आता है संसद, संसद आएगा। और संसद कहाँ से कहाँ तक है, 79 से लेकर 122 तक है। और फिर आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, ठीक है, विधायी अधिकार है ये। अब विधायी अधिकार इसको भी हम डिस्कशन कर पा रहे होंगे, 123 है ये विधायी अधिकार, ये आ जाता है डायरेक्टली आर्टिकल। उसके बाद जब बात करते हैं जो चौथे नंबर की बात करें हम, फोर्थ चैप्टर के इसी में संघ में ही, तो संघीय न्यायालय आता है, संघीय न्यायालय, सॉरी संघीय न्यायपालिका। अब संघीय न्यायपालिका का मतलब 124 से 147 तक है ये। इसके बाद आएगा जो इसमें फिफ्थ चैप्टर आएगा वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो है आर्टिकल 148 से 151 तक। तो अभी कंप्लीट हो गया इतना। इसके बाद आते हैं हम
राज्य की बात करते हैं, भाग छ हो गया ये, भाग छ। ठीक, अब भाग छ में अगर हम ये बात करें तो राज्य की बात करते हैं, राज्य। अब राज्य की बात करें तो राज्य में ये जो आर्टिकल आता है 152 से 237 तक, 148 से 151 तक की जो विषय था, ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात थी, 151 तक है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा संघ है 152 से लेकर 151 तक है। उसके बाद आते हैं राज्य की बात करते हैं, संघ के बाद राज्य आता है। राज्य में जो सामान्य है, मतलब इसमें भी जो है 6 चैप्टर है। अब सामान्य की बात करें अगर हम, तो 152 से 237 तक है ये। ठीक, जो सामान्यता बात किया जा रहा है, इसमें कार्यपालिका, कार्यपालिका जो 153 से 167 है, उसके बाद जो है इसमें आता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल है ये, विधानमंडल 168 से 212 तक है। उसके बाद राज्य, राज्यपाल, जो राज्यपाल, ये देखिए यहाँ पर 123, यहाँ पर क्या था, राष्ट्रपति की विधायी अधिकार थे। अब यहाँ राज्यपाल के, राज्यपाल के विधायी अधिकार, विधायी अधिकार की बात अगर हम करें, राज्य, चूंकि राज्य का जिक्र हो रहा है तो 213 करना है, 123 है तो यहाँ पर 2 यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, 213 कर दीजिए, 213। अब चैप्टर इसमें जो है 5th की बात करें तो राज्यों के उच्च न्यायालय की बात हो रही है। यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हुई, सॉरी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात करते हैं हम। हाई कोर्ट कहाँ तक जिक्र है, 214 से लेकर 232 तक है। इसके बाद आता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय, एक आता है इसमें अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय तो ये कहाँ तक है, 233 से लेकर 237 तक। और भाग 7 की बात करें अगर हम, भाग 7 की बात करें तो ये 238 है जो कि निरस्त हो चुका है। ठीक, इसमें प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य है निरस्त हो चुके हैं। अब भाग 8 की बात करें अगर हम, भाग 8 जो कि संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है ये। अभी तक हमने संघ की बात कर लिया, राज्य की बात कर लिया, अब संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे हम, राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। अब ये कहाँ तक है, ये जो है 239 से लेकर 242 तक है। अब भाग 9 की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए भी हमेशा हाईलाइट रहता है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर एक एग्जाम में। तो ये भाग 9 में क्या है कि पंचायतें हैं, पंचायतें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में पंचायतें हैं, यह है 243 से लेकर 243O तक है। अब वही 9 का की बात करें अगर हम, 9A या 9 का, तो पंचायतों के बाद आता है नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, यह है 243 से, मतलब 243P से है 243ZG तक है। और वहीं खा की अगर बात करें, 9 खा की बात करें तो सहकारी, सहकारी समितियां आती हैं, समितियां। अब इसकी बात करें तो 243ZG के बाद आया है यच से लेकर 243ZT तक है। ठीक है, इसके आगे है तो मेन इंपॉर्टेंट यही है इसमें, चूंकि 29 है, ठीक है, ये सॉरी 29 विषय है इसमें, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ये बात बात है। अभी अभी की बात करें तो भाग 10 की बात करते हैं हम, जो कि एससी और एसटी क्षेत्रों की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है 244 से लेकर 244A तक की बात हो रही है।
अब हम बात करेंगे बाद में, इसके बाद आता है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करते हैं। तो इतना अभी तो हमें डिस्कशन करना है, मेन जो है ये डिस्कशन करना है, इसीलिए इसको बताना जरूरी था मूल कर्तव्य तक। जब हम संघ की बात करेंगे तो उसमें बात करते नजर आएंगे, क्योंकि अभी देखिए संघ संघ से ही रिलेटेड है, जैसे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं जो भाग 14 है, उसमें 308 से 323 तक की जिक्र होगी। उसके बाद वित्त संबंधी है हमारे। तो फिर आइए हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, जो कि हमारा था भाषाई आयोग। अब भाषाई आयोग क्या था? भाषाई आयोग और समिति की बात करें अगर हम, तो ये प्रांत आयोग, सबसे पहले इसमें प्रांत आयोग, ठीक है। अब गठन की बात करते हैं, सॉरी गठन की बात करो अगर इसमें, तो जून 1948 में गठन होता है, और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष आप बस सुनते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अध्यक्ष की बात करते हैं तो एस के धर थे इसमें, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट किसको सौंपी गई? रिपोर्ट जो सौंपी सौंपी गई, ये कब सौंपी गई? दिसंबर 1948 में। ये जून में बनता है, दिसंबर में इसका गठन, जून में गठन होता है और दिसंबर में रिपोर्ट सौंप देते हैं 1948 में ही। अब किसकी अनुशंसा की बात करते हैं? अनुशंसा, सॉरी ये यहाँ नहीं, अनुशंसा, ओके हम फिर से लिख देते हैं अनुशंसा, ठीक है। अब अनुशंसा की बात करें तो राज्यों राज्यों का गठन, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ना कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, क्योंकि ये यहाँ पर भाषाई आधार पर हो रहा था, तो ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने ऐसा अनुशंसा दिया इस रिपोर्ट के माध्यम से, भाषाई आयोग और समिति। तो प्रांत आयोग अध्यक्ष थे एस के धर, गठन 1948 में होता है जून में, और दिसंबर में 1948 में ही रिपोर्ट सौंप देते हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने कहा था कि ना कि भाषाई आधार पर, ठीक है, ना कि भाषाई आधार पर। इसके बाद आते हैं जेबीपी समिति, ठीक है। अब जेबीपी की बात करें तो इसका जो गठन है, ये गठन है इसका, तो गठन की बात करें तो दिसंबर में, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया, दिसंबर में होता है, ठीक है, दिसंबर 1948 में इसका गठन होगा। इसके बाद आएगा यहाँ पर सदस्य कौन रहेंगे, सदस्य की बात कर लें हम तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, वल्लभ भाई, वल्लभ भाई, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, फिर लिख देता हूँ, वल्लभ भाई पटेल, और एक लोग थे पट्टाभी सीता रमैया, ये गांधी जी के बहुत चहेते थे। उसके बाद रिपोर्ट कब सौंपी गई? रिपोर्ट की बात करें अगर सौंपी गई, ये गठन तो दिसंबर में होता है 1948 में, और अप्रैल में जो है, अप्रैल 1949 में ये रिपोर्ट सौंपी गई, और इसमें अनुशंसा जो दी गई, अनुशंसा की बात करें हम तो ये था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत हो गया, अस्वीकृत, ठीक। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का जिक्र आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें अगर हम, तो इसके गठन का जो गठन है इसमें वर्ष 1953 में होता है, और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष की बात करें अगर हम तो फजल अली आयोग की बात होती है। हमेशा ये पूछ लेता है कि फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से, पिछली ही बार क्वेश्चन आया था। और सदस्य की बात करें अगर हम, सदस्य की बात करें तो के एम पाड़ीकर थे, ठीक है, पाड़ीकर
और एक लोग थे के एम पड़कर के बाद भी एक थे एच एन कुंजरू, क्वेश्चन आया था एच एन कुंजरू, ये इसमें सदस्य थे कि नहीं थे, कौन कौन था फजल अली आयोग में, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन सदस्य था, फजल अली आयोग फजल अली थे और के एम फड़िक्कर थे और एच एम कुंजरू थे। रिपोर्ट जो थी सौंपी कब, इसका गठन तो हुआ 1953 में, और रिपोर्ट जो सौंपी इन्होंने 1955 में, और अनुशंसा इसमें क्या दी है, ये अनुशंसा की बात करें अगर हम तो भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की बात करते हैं, ठीक है अनुशंसा की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत कर दिए थे, ठीक है, जेबीपी समिति, और ये वाला भी है वल्लभ भाई पटेल वाला, जेवीपी समिति थे, और इन्होंने जो है फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग का इसमें थे अध्यक्ष, और भाषाई आधार पर इन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, स्पेशली आंध्र प्रदेश की बात करें, तो तात्कालिक गठन की बात जो आती है यहाँ पर, तात्कालिक गठन की बात करें अगर हम, तो जैसे तात्कालिक गठन की बात करते हैं तो पोटी जो थे ये एक थे पोटी श्री रामुलू, श्री रामुलू की 56 दिनों की भूख हड़ताल थी, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गया। अब देखिए यहाँ तात्कालिक गठन तो इसीलिए हुआ, ये जो राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश की बात करें, अब गठन की जो तिथि थी, फिर गठन की तिथि जो थी वो थी 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1953। और वहीं अगर हम बात करें थोड़ा नीचे आते हैं, और क्या था विभाजन की बात करें अगर हम, विभाजन की बात करें जो तेलंगाना बन जाता है इसमें, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। अब विशेषता क्या थी इसकी, विशेषता की बात करें अगर हम, तो भाषा के आधार पर गठित, आधार पर गठित देश का पहला राज्य है, पहला राज्य आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा, यही विशेषता थी इसकी। तात्कालिक कारण पोटी श्री रामुलू जो है इनका 56 दिन तक भूख हड़ताल किया और मौत हो गई इनकी। गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 से में गठन हुआ, और विभाजन कब होता है 2014 में 2 जून को, तेलंगाना का, तेलंगाना अलग होगा। अब भाषा के आधार पर गठित देश का पहला ऐसा वो था। इसके बाद आता है अगर हम बात करें, तो इसी में ही अगर हम देखें विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि की बात करें जो कि अक्सर पूछते हैं, तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, अभी हमने बताया, तो आंध्र प्रदेश की बात करें अगर हम, तो 1 अक्टूबर 1953 की बात करते हैं। उसके बाद आता है कि गुजरात की बात करते हैं, गुजरात, गुजरात की बात करें तो 1 मई 1960 को होता है। उसके बाद नागालैंड की बात करें, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड 1 दिसंबर की बात करते हैं, 1 दिसंबर 1963, 3 इयर्स 7 इयर्स, ठीक है। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जो 25 जनवरी 1971 को, मेघालय की बात कर लें, मेघालय की बात कर लें अगर हम, तो 21 जनवरी 1972 को। इसके बाद मणिपुर की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें तो इसमें 21 जनवरी, ये भी देखिए 1972 को, ये दोनों 1972 को, हिमाचल प्रदेश 1971 में। त्रिपुरा की बात कर लें अगर, त्रिपुरा की बात कर लें अगर हम, तो त्रिपुरा का जो
गठन होता है 21 जनवरी 1972 को ही होता है। ये तीनों एक साथ गठन होंगे, ठीक है। इसमें गठन की तिथि है। अब वहीं सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की बात करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो 16 मई 1975 को होता है। अब मिजोरम की बात कर लें अगर हम, मिजोरम की बात कर लें अगर हम, तो 20 फरवरी जो है 20 फरवरी 1987 को होता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें अगर हम, तो 20 फरवरी 1987 इसका भी। और वही गोवा जो है, गोवा, बस ये 20 फरवरी था तो यही 30 मई कर लीजिएगा, 30 मई 1987। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं अगर हम, छत्तीसगढ़ की बात कर लें अगर, तो 1 नवंबर 2000 को होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि 1 नवंबर 2000 को होता है। और वहीं पर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, तो 9 नवंबर को होगा, ये 2000 में ही होगा, ठीक। उसके बाद आता है झारखंड की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 15 नवंबर को होगा, 2000 में ही होगा, 2000 में ही। और तेलंगाना तो आप लोग को पता ही है, तेलंगाना का जो गठन हुआ वो 2 जून 2014 को हुआ, ठीक। तो ये आप देख रहे होंगे तो इसको याद रख सकते हैं। 1 नवंबर ये पूछता है, यही पूछते हैं अक्सर। तेलंगाना, तेलंगाना तो नहीं पूछते लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं। और सिक्किम का भी पूछ लेते हैं। आंध्र प्रदेश का तो पहली भाषाई आधार पे पहला ऐसा है। इसके बाद हम जो जिक्र करते हैं वो ये है कि नागरिकता की बात करें अगर हम। सबसे पहले अगर हम नागरिकता इसमें देखें तो मुझे नहीं लगता कि नागरिकता जो है, 1 मिनट, हाँ, नागरिकता, नागरिकता की बात करें अगर हम, तो इसका उल्लेख कहाँ है? तो सबसे पहले जो है संविधान, अभी हमने इससे पहले ही जिक्र किया कि संविधान के भाग 2 में है, ठीक है। अब आर्टिकल की बात कर लें अगर हम, तो 5 से 11 तक है। अब देखिए भारत में जो है, भारत में बात कर रहे हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब इंडिया में कहीं भी रहेंगे तो एक ही आइडेंटिटी होनी होगी, ऐसा बहुत से देश में नहीं है। अब भारत में जो है दो तरह के लोग रहते हैं, लोग हैं। अब जैसे देखिए कौन है, वो नागरिक एक है और एक हो गए विदेशी, नागरिक हो गए और एक हो गए विदेशी। अब विदेशी में भी मित्र हैं और शत्रु हैं, ठीक। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, एग्जाम रिलेटेड कुछ बात कर लें अगर हम, तो चूंकि नागरिकता के बारे में और डिस्कशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूछ लेते हैं, भाग पूछ लेते हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। अब दो तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। अब महत्वपूर्ण बात कुछ करें एग्जाम रिलेटेड पॉइंट, तो संसद, जैसे संसद है हमारा, ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना उपबंधित है। अब ये कौन से आर्टिकल में है? संसद द्वारा जैसे नागरिकता का, अभी क्योंकि ये चर्चा का विषय था, नागरिकता के अधिकार का जो है, अधिकार का विधि द्वारा, ये याद रखिए, विधि द्वारा। अब विधि कौन बनाता है? संसद ही। तो विधि द्वारा ये जो नियम विनिमय किया जाएगा, विनियमन, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल की बात करते हैं? तो आर्टिकल 11 में है ये। इसी के तहत जो है संसद में कोई नागरिकता संशोधन विधेयक पास होता है। अब देखिए एक आर्टिकल आता है जिक्र, उस आर्टिकल का मतलब ये जो होता है, सॉरी, संशोधन की बात करते हैं, आर्टिकल तो अभी बात करते हैं, उसमें आता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है, पारित किया गया, ये संसद द्वारा पारित किया गया। अभी हमने जैसा कि जिक्र अभी हमने बताया कि कोई भी एक्ट बनेगा तो वो संसद द्वारा बनेगा, संसद द्वारा पारित होगा। तो ऐसे ही एक पारित हुआ था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखिए आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 के तहत अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसको याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30, मतलब ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है,
नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, केवल नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है ये। अच्छा, इसके बाद आता है कि भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने के योग्य रखते हैं, जबकि जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, ये कहाँ पर है? ऐसा अमेरिका में होता है। दोहरी नागरिकता, जैसे कि अभी दोहरी नागरिकता, अभी हमने बताया कि भारत में एकल नागरिकता की बात होती है, और दोहरी नागरिकता कहाँ 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 है, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है। और इसके बाद बात करें अगर, तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, ये आर्टिकल 6 में है, इसको याद रखिएगा। अगर वही पाकिस्तान को प्रव्रजन, ये पाकिस्तान से बात हो रही है, अब देखिए पाकिस्तान से अगर कह रहे हैं तो से का मतलब हो गया आर्टिकल 6 के तहत बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पाकिस्तान को अगर बात कर रहे हैं कि प्रव्रजन करने वाले जो कुछ व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार के बारे में उपबंध है, ये कौन से आर्टिकल में है? ये है 7 में। अब भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करें तो आर्टिकल 8 में है, जो भारत के बाहर है, भारत के बाहर, ठीक है। अब वही आर्टिकल 9 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 9 की बात कर लें अगर हम, तो जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता रहती है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। ये स्वतः जो समाप्त होगी, ये स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 में है नागरिकता। ये जब कब होगा? जब कोई भारतीय व्यक्ति है और बाहर का किसी दूसरे देश का नागरिकता अपना ले तब। अच्छा, कुछ इसी में ही अगर हम बात करें तो नागरिकता की प्राप्ति, जैसे ये है कि जैसे अभी प्राप्ति और अंत की बात कर ले हैं, अब नागरिकता की प्राप्ति और अंत, अब किसको किसको मिलता है, प्राप्ति किसे है और अंत किसे हो गया, तो जैसे भारत की बात करें अगर हम, इसी में ही अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, हाँ भारत की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो भारतीय नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार की बात करते हैं, अधिकार की बात करें तो इसमें जो होगा जन्म से मिल जाएगा, इन्हें जन्म से मिलेगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, वंश के, वंश परंपरा के आधार पर मिलता है यहाँ पर नागरिकता भारत में। अब पंजीकरण की बात करते हैं तो पंजीकरण के आधार पर मिलता है, पंजीकरण से मिल जाता है। और वहीं देशीकरण की बात करते हैं, देशीकरण की बात कर लेते हैं, और अर्जित भूमि के आधार पर मिलता है, अर्जित भूमि, भूमि के आधार पर मिलता है, केस्टमा मेलन से, ठीक है। ये यहाँ से अधिकार मिलते हैं। अब किससे जो है लोप हो जाता, मतलब अंत हो जाएगा इसका, अगर अंत की बात करें हम, तो ये किसी, अभी हमने आर्टिकल 9 में जिक्र ही किया कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, नागरिकता त्यागने पर हो जाएगा, त्याग दें, ठीक है, त्यागने से। और वहीं सरकार द्वारा वंचित करने पर, जैसे देश के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो सरकार जो है, सरकार द्वारा वंचित करने पर, 3 केस में अंत हो जाएगा इनकी नागरिकता का। अब वहीं अगर हम बात करें कुछ, जैसे अगर पहले इसी को डिस्कशन कर लेते हैं, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम बहुत चर्चा का विषय रहा है, ये भी ज्वलंत टॉपिक, तो वहीं ये सबसे पहले बात करें तो लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि नागरिकता देगा, ये किसको किसको नागरिकता देगा, जो अफगानिस्तान के हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को जो है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, ये 3 के अल्पसंख्यक हैं जो, उनको नागरिकता देगा।
अब अल्पसंख्यकों के इन सब में अफगानिस्तान की बात कर लें अगर हम, जो है इन सब में हिंदू, सिख, बौद्ध हो गए, उसके बाद जैन आ गए, उसके बाद आ गए आपका पारसी आ गए, और फिर ईसाई आ गए, ठीक है, इन सबको नागरिकता देगा। अब वही हम बात करें कुछ है, जैसे कि आर्टिकल विदेशियों को भी प्राप्त है, जो हमारे भारत में मूल अधिकार हैं, जो तो नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं वो, तो आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आर्टिकल नंबर 14 की बात करें सबसे पहले, इसको हम आगे जिक्र करते नजर आएंगे अभी इसी क्लास में ही, आप पेशेंस के साथ सुनिए बस। और आर्टिकल 20 की बात करते हैं, 20 इसमें क्या है ये भी बताएंगे। आर्टिकल 21 जो बहुत हाईलाइट है, 21A है, और उसके बाद आएंगे तो हम और आगे बढ़े तो आर्टिकल 22 भी है, 23 भी है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, इतने आर्टिकल जो नागरिकों को भी प्राप्त हैं हमारे, और मतलब नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर नजर आए अगर हम तो थोड़ा सा नीचे आए, अगर एग्जाम रिलेटेड पॉइंट की बात करें अगर हम तो, हाँ नीचे ही आकर यही डिस्कशन करते हैं। एग्जाम रिलेटेड महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो उस पे बात करना ज्यादा जरूरी है। तो एग्जाम्स पॉइंट या फैक्ट कह सकते हैं, फैक्ट्स की बात कर सकते हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे संसद है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, कैसे करेगी, जो संसद है अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, निर्माण करेगा तो कैसे करेगा, ये साधारण बहुमत से कर लेगा, साधारण बहुमत से, बहुमत से। अगर वहीं भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है तो संसद को ही है सिर्फ, इस संसद के पास पावर ज्यादा है, कि अन्य देश को भी या संघ को किसी को भी मिलाना हो तो ये संसद में पहले कानून पारित होगा। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो बात करते हैं तो वो 20 है, संघ राज्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यूटीज की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक, लोकसभा की बात कर रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जब 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं, अभी हमने बताया फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग के वो थे, को बनाए गए जिसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की जब संख्या थी तब ये 14 राज्य थे और 6 संघ थे, संघ राज्य क्षेत्र थे, यूटी जिसे बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। अब परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात करें अगर हम, ये एग्जाम पॉइंट्स की बात करें अगर हम, तो इसी में ही भारत में जैसे नागरिकों से संबंधित कानून बना सकती है संसद ही बना सकती है। अब भारतीय संविधान में नागरिकों का जो उल्लेख है तो आपको हम पहले बता दिए हैं कि भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक, ये PCS में क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। अब एकल नागरिकता है यहाँ पर, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, और जो भारतीय नागरिक, जैसे ये एक क्वेश्चन है अच्छा, कि भारतीय, यहाँ पर लिख देते हैं, भारतीय नागरिकता प्रदान, सॉरी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का जो जिक्र हमने किया, 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है भारत में कितने साल तक रहना है, ये अच्छा है तो 7 वर्ष तक रहना है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम अब आते हैं तो अब कुछ नागरिकता से संबंधित जो महत्वपूर्ण अभी हमने जिक्र किया यहाँ पर, कि 1 मिनट अगर हम यहाँ आ जाएं, सॉरी, हाँ यहीं पर बात कर लें नागरिकों से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, रुकिए हम यहीं पर लिखते हैं, नागरिकता, नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात कर लें,
अगर ये इम्पोर्टेंट है नागरिकता से संबंधित, अब आर्टिकल 5 जो हमने जिक्र किया अभी, उसमें क्या है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जब लागू हुआ संविधान तब की नागरिकता की बात करते हैं, अभी 6 की बात कर रहे हैं हम आर्टिकल में। तो जब अभी हमने बात किया कि पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान से जो भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करते हैं, और वहीं 7 की बात करें तो पाकिस्तान को, ये इंपॉर्टेंट है, 7 की बात कर रहे हैं तो प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, और वहीं 8 की बात करें, 8 आर्टिकल की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता है, और वहीं 9 की बात करें तो अभी हमने बताया कि जो विदेशी राज्य में ग्रहण कर ले वो नागरिकता, तो स्वतः यहाँ समाप्त हो जाएगी। लेकिन 11 की बात करें अगर हम, तो 11 का जिक्र अभी हमने कहा कि संसद को जो है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, संसद की बात कर रहे हैं हम, संसद नागरिकता यहाँ लिख दे रहे हैं, इतना समझ जाएंगे। एंकर वर्ड डालना चाहिए, एंकर वर्ड से ये पता चलता है कि वो याद रहता है हमेशा, एंकर वर्ड। तो इसके बाद है, आइए मूल अधिकार की बात करते हैं। अब मूल अधिकार में सबसे पहले अगर थोड़ा सा अगर हम देखें मूल अधिकार की जिक्र करें, तो जो ये आता है मूल अधिकार में, तो ये कहाँ से अपनाया गया, ये आता है तो यूएसए से, ठीक, कहाँ से लिया गया, अपनाया गया यहाँ से। अब संविधान में उल्लेख की बात करें, अगर हम उल्लेख की बात करें तो भाग 3 में है अभी हमने बताया, और ये आर्टिकल कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछते हैं इसीलिए बार बार इसको याद करिए, जरूरी है। सबसे पहले आता है कि आर्टिकल, हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे इसमें, मूल अधिकार चलेगा थोड़ा, मूल मूल कर्तव्य तक आज हम पढ़ेंगे चाहे जितना टाइम लगे। आर्टिकल 14 से 18 तक की बात करें तो समता का अधिकार की बात करते हैं, समता का अधिकार, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं अब, समता का अधिकार की बात करते हैं। तो इसी क्रम में आर्टिकल जो है 19 से लेकर 20 तक की, 22 तक की बात करें तो स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता तक की बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं मूल अधिकारों की संख्या, ये ठीक है, हैंड राइटिंग पे मत जाइए। स्वतंत्रता की बात करते हैं, समता स्वतंत्रता, इसके बाद क्या आएगा, शोषण, शोषण की बात करेंगे। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल की कहाँ से कहाँ तक, 23 से 24 तक। अब वहीं धार्मिक स्वतंत्रता की फिर बात करें, अगर हम धार्मिक की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें अगर हम, तो धर्म का कहाँ से जिक्र है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, धर्म से रिलेटेड है। वहीं आर्टिकल अगर 29 और 30 जो इम्पोर्टेंट है, ये संस्कृति और शिक्षा की बात करता है, शिक्षा संबंधी अधिकार देता है, संबंधी अधिकार है। और वहीं आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसे संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं इसे, बी आर अंबेडकर जी जो है इसे संविधान की आत्मा बोले हैं, इसी को बोले हैं आर्टिकल 32 को। इसके बाद आते हैं हम इसी में, अब आर्टिकल देखिए, आर्टिकल की जिक्र हो ही रही है तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम रिलेटेड पॉइंट की बात कर लें जो आए हुए हैं, तो इसमें आर्टिकल 21 ए की बात करते हैं, और इसमें क्या था कि इसके तहत जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार, यहाँ पर लिख देते हैं मौलिक अधिकार बनाया गया। अब ये कौन से संविधान में संशोधन किया गया, ये 86 नंबर का था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब हुआ, 2002 में, इसको याद रखिएगा, शिक्षा संबंधी अधिकार थे ये। अब प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये भी तो है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं हम, तो ये किसमें है, आर्टिकल
1901 में, हम इसको आर्टिकल 19 को पूरा जिक्र करेंगे, 1901A में है ऐसा। और वही मेनका गांधी वाद 1978 किस से संबंधित था, तो अनुच्छेद 21 से ही अंतर्गत, जो मूल अधिकारों के विस्तार से है। और वही अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा है ये पॉइंट है, मतलब सिखों जो सिख थे, सिखों द्वारा जो कृपाण रखा जाता है, कृपाण धारण करने का अधिकार जो है, करने का अधिकार जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये अंग माना गया है। ठीक है, अंग माना गया है, तो ये कौन से आर्टिकल में है? यह है 25 में। और मौलिक अधिकारों के संरक्षक उच्चतम और उच्च न्यायालय, हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, मौलिक अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक है। ठीक है, इसके बाद आता है, हम इसके बाद की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले एक अहम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसी के माध्यम से हम आर्टिकल 21 को समझ पाएंगे, क्योंकि वैसे वो क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिए हैं, तो बेहतर ये होगा कि वो क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाऊं। तो सबसे पहले आता है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये एक था विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो सबसे ज्यादा परफेक्ट आंसर यही था, आयोग ने जो माना है, ये ऐसा यूपीयूडी एलडीए यूपीपीसीएस प्री 2003 में आया था, मेंस 2004 में आया था, पीसीएस के ही अभी एग्जाम में आए हैं। तो ये आयोग ने जो माना है आंसर, वो है एकांतता का अधिकार है। ठीक है, अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात कर लें अगर हम, तो इन चारों में से जो है किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा अस्पष्टता मूल अधिकारों में नहीं हुआ है। यही है, मूल अधिकारों में अस्पष्ट रूप से देखें तो नहीं हुआ है, अस्पष्ट रूप से नहीं हुआ है। ठीक है, किंतु जैसे वो उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है, जो सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि वो संरक्षक है, तो इसको चारों अधिकारों को माना है। ये आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 के तहत आप देखेंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, मतलब जिसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, कि अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को विभिन्न निर्णयों द्वारा शामिल माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वहीं अगर एक केस आता है, जो केस है हम उसको लिखेंगे जरूर, खड़क सिंह का नाम सुने होंगे, खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य वर्सेस यूपी राज्य की बात हो रही है। और वहीं एक और केस आता है, गोविंद बनाम एमपी राज्य। अब ये मामला जब आया, गोविंद बनाम एमपी राज्य और खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य, तो ये इसमें क्या हुआ कि मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि जो है संविधान के आर्टिकल आर्टिकल 19(1)(d), ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में जो सर्वत अबाध संचरण का अधिकार है, ये है भारत, और 19(1)(d) में है कि भारत में कहीं भी हम आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, को जो है आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार है से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार, मतलब जिसे बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, ठीक है, प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के विकल्प में दिए गए उपयुक्त चार अधिकारों के अतिरिक्त भी और अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत अपने विभिन्न निर्णयों से मानते हैं। जैसे अब इसमें कौन सा है, पहला है, ऐसे 10 और हैं, जैसे अच्छे पर्यावरण का अधिकार है, दूसरे की बात करें तो शीघ्र विचारण का अधिकार है, विधिक सहायता का अधिकार है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, जैसे पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार है, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार है, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, ये सब हैं अधिकार उसमें। तो ये सब में से कोई भी आएगा तो ये उसमें अंतर्निहित है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो
अब हम आते हैं कि जैसे जो अभी हमने जिक्र किया कि इससे पहले कि हम एक एक आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें, 1 मिनट, हाँ ये आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ऊपर चलते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम विवरण इसी के ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसी की बात करते हैं, समता का अधिकार। समता के अधिकार में जो हमने बात किया आर्टिकल 14, अभी देखिए अभी इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ अधिकार जो नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त हैं और विदेशियों को नहीं, और कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 14। अब उसमें क्या है कि विधि, हम लिख रहे हैं विधि के समक्ष, जो है विधि के समक्ष की बात हो रही है, समता और विधियों का समान संरक्षण की बात होती है। इसमें विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक है। तो समता का अधिकार जो बोलते हैं कि विधि के समक्ष समता, मतलब समता का अधिकार एक लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। और वहीं आर्टिकल 15 की बात करें अगर हम, तो धर्म मूल वंश जाति लिख देते हैं, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं मंदिरों में कई जगह महिलाओं को और निम्न वर्गों को नहीं जाने देते हैं, तो उसका भी केस आता है। तो ये फंडामेंटल राइट का हनन है। जो आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन की बात होती है। यहाँ पर लोक नियोजन के विषयों जो है, विषयों पे जो हमारे नीतियां बनती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, वो यही के अंतर्गत आता है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता की बात होती है, ठीक है। और आर्टिकल 17 की बात करें अगर हम, तो 17 बहुत हाईलाइट था, हमेशा रहता है अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत जिसे बोलते हैं, छुआछूत का अंत, ठीक है। और आर्टिकल वही 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, मतलब ये विदेशियों से हम नहीं ले सकते, विदेश में जाकर परमिशन लेना पड़ता है, यहाँ पर राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे तभी कोई हम उपाधि ले सकते हैं, या अपने खुद से महाराजा या फलान दकान कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें जो हम, तो आर्टिकल 19 आता है, और इसमें स्वतंत्रता का अधिकार कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार के अधिकार है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की अधिकार है, इसी में प्रेस आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, इतना भी नहीं कि कुछ जब बोलो तो दूसरे को बुरा लग जाए। आर्टिकल 20 की बात करें अगर हम, तो अपराधों की बात होती है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि की बात होती है, दोष सिद्धि के संबंध में है, संबंध में संरक्षण की बात होती है। और वहीं आर्टिकल 21 की बात करें, तो अभी तक राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही थी, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है, दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है। और वहीं आर्टिकल जो 22 की बात करें, जो कि गिरफ्तारी जैसे हो जाती है, गिरफ्तारी एवं निषेध, सॉरी निरोध की बात करते हैं, ओके, गिरफ्तारी एवं निरोध की बात करें अगर हम, निरोध मतलब कुछ दशाओं में, जैसे कुछ दशाओं में ही, कुछ दशाओं में संरक्षण होता है, संरक्षण प्राप्त है, ठीक। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करके तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होगा, संरक्षण प्राप्त है। और वहीं आर्टिकल 19 में जो हमने बताया कि 19(1)(a) की बात अगर करें, तो वाक, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि 19(1)(a) 19(1)(b) में क्या जिक्र है, ऐसे ही वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात होगी। और 19(1)(b) की अगर बात करते हैं, तो शांति पूर्वक, ये इंपॉर्टेंट है, शांति पूर्वक एवं निरायुद्ध की,
सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है, और आर्टिकल 1C की बात करें, अगर हम सी में क्या है कि संगम, संगम मतलब प्रयागराज वाला संगम नहीं, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये यहाँ पर इकट्ठा होकर हम संघ वंग बना सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(c) में ऐसा जिक्र है। और 19(1)(d) की बात करें अगर हम, तो राज्य क्षेत्र में सर्वत्र जो है, सर्वत्र अभी हमने इससे पहले ही बात किया ना, कुछ केसेस भी आए थे, सर्वत्र जो है अबाध जो है संचरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं। और वहीं अगर आर्टिकल की बात करें 19(1)(d) के बाद ई आता है, तो राज्य के किसी भी भाग में, जैसे किसी भाग में, किसी भी भाग में निवास करने, निवास या फिर बसने का अधिकार है आपको, ई में है। और वहीं अगर 19(1)(e) के बाद एफ की बात करें अगर हम, तो वृत्ति, व्यापार, कारोबार, कारोबार बिजनेस करने का मतलब होता है कि स्वतंत्रता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और 19(1)(b) में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1)(d)(1)(c) की बात करें, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता डी में है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ई की बात करें अगर, 19(1)(e) की बात करें, तो राज्य में कहीं भी बस सकते हैं, किसी भी भाग में निवास भी बना सकते हैं। अब बिजनेस की बात होगी तो 19(1)(e)(1)(f) में होगी। अब वहीं अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हम बात करें जैसे शोषण की बात होती है ना, तो शोषण की बात अगर होगी यहाँ पर, तो आर्टिकल 24 की बात होगी यहाँ, मतलब इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों में आदि में जो है नियोजन का प्रतिषेध है, बच्चों के लिए, कार्य के लिए, कारखानों में, कारखाना हो गया या फिर डेंजर जहां पर बच्चों के लिए खतरा हो सकता है वहां पर नहीं काम कर सकते, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चे, ये इनका अधिकार है पढ़ने वढ़ने का। उसके बाद 23 की बात करें अगर हम, 23 की बात करें, ये 24 की बात कर लिए पहले, 23 की बात करें, तो मानव, ये इम्पोर्टेंट है, जो मानव दुर्व्यापार की बात होती है, और बलात् मतलब बच्चों वाली बात, बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है, प्रतिषेध इसमें भी है, जैसे मानव दुर्व्यापार और जैसे ट्रैफिकिंग होता है, तो ये सब पे भी रोक है, बलात्श्रम पे मतलब बच्चों के काम पे भी रोक है, जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं कराया जा सकता, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। उसके बाद इसके बाद आता है हाँ, संपत्ति का अधिकार पहले था है, तो जो कि समाप्त हो गया है, तो संपत्ति के अधिकार की पूर्व स्थिति की बात करें अगर हम, पूर्व स्थिति की बात करें तो क्या था, इसे पूर्व स्थिति में हम आए, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जिक्र होगा। हाँ, पूर्व स्थिति में क्या था कि मूल अधिकार के संविधान के अनुच्छेद 19(1) जो चा था, मतलब इसमें था चा था, तो उसमें और 31 के अंतर्गत था ये पहले। अब वर्तमान स्थिति की बात करें हम, वर्तमान की इस बात करें तो विधि का अधिकार हो गया है ये, संविधान के अनुच्छेद 300 का में आता है ये, अब 3 का में उल्लेख है इसका, अभी भी संवैधानिक है, मतलब तो जो आर्टिकल में आ जाए वो संवैधानिक है। अब संबंधित संविधान संशोधन की अगर बात करें इससे, तो 44वां संविधान हुआ था 1978 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इस, ये द्वारा, इसके द्वारा जो है विधिक बन गया, ये विधिक अधिकार बन गया, संपत्ति का अधिकार। इसके बाद अगर हम बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो एक अधिकार है हमारा, तो ये आता है आर्टिकल
25 जो अभी हम धर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। प्रचार की बात करते हैं, प्रचार धर्म यहाँ लिख दे रहे हैं, एंकर पॉइंट डालना जानिए। उसके बाद धार्मिक कार्यों के सूत्र, इसमें आर्टिकल 26 की बात करें अगर हम, तो जैसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, जैसे धर्म से रिलेटेड है जो कार्य कर रहे हैं वो प्रबंधन की स्वतंत्रता है, प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और वहीं आर्टिकल 27 की बात अगर हम करें, तो जैसे विशिष्ट धर्म की जो अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, करों के बारे में बात करते हैं कुछ विशिष्ट के लिए। लेकिन आर्टिकल 28 की बात करें, अब करों में बात करते हैं, कभी कभी छूट मिल जाती है, कभी कभी लग जाती है। तो 28 की बात करें अगर, तो कुछ शिक्षण संस्थान जो हैं, जैसे कुछ की बात हो रही है, सभी की नहीं, कुछ शिक्षण संस्थान जो है, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है, धर्म से रिलेटेड, या उपासना की बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो आता है, हम नीचे थोड़ा आए तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी है, और ये कहाँ पर है, अभी हमने इससे पहले ही जिक्र किया। तो ये जो था हमारा आर्टिकल 29, और आर्टिकल 30 की बात करेंगे हम। यहाँ पर दो आर्टिकल हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जैसे अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये संरक्षण सुरक्षा संबंधी जो है, सुरक्षा संबंधी अधिकार है, ठीक है, अधिकार उल्लिखित है। अब आर्टिकल 30 की बात करें अगर हम, ये देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आर्टिकल 29 है, और वहीं 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें दोनों में अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। अब इसमें जो है हितों के संरक्षण की बात हो रही है, सुरक्षा संबंधी की बात हो रही है, तो यहीं पर शिक्षा की बात करते हैं और प्रशासन की बात करते हैं हम, ठीक है। इनके प्रशासन प्रशासन संबंधी है अधिकार प्रदत्त। अब आपातकाल जब होता है, इसमें एक मिनट नीचे आते हैं, हाँ, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन की बात करते हैं। हाँ, अब ये कौन कौन से आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी, तो आर्टिकल 358, 358 की बात करें, जिसमें जब आर्टिकल 358 के तहत जब आपातकाल लगता है, तो आर्टिकल 19 जो है स्वतः स्वतः निलंबित हो जाती है। अब आर्टिकल अभी वही बताया था कि वाक की स्वतंत्रता की बात हो रही है, इसमें भी कई थे, मतलब तकरीबन 6 थे, 6 या 5 थे। और आर्टिकल 359 के तहत अगर बात होगी, तो अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित हो जाएंगे, इसमें राष्ट्रपति द्वारा निलंबित होंगे सभी मूल अधिकार। और आर्टिकल जो इसमें 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 20 और 21 की बात होगी, तो निलंबन पर पाबंदी है, ये दोनों नहीं निलंबित होंगे, नहीं होंगे ये दोनों। इसके बाद आते हैं कि कुछ बात कर लें अगर, उच्चतम न्यायालय की बात करें अगर हम, जो उच्चतम न्यायालय है या हाई कोर्ट है हमारा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों जो है जो रिट जारी करते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है प्रत्यक्ष करो बंदी को, बंदी बंदी मतलब वो बंदी नहीं, बंदी मतलब होता है कि जो कैदी है। उसके बाद परमादेश की बात करते हैं, परमादेश। इसके बाद उत्प्रेषण की बात करते हैं, उत्प्रेषण की बात करते हैं। अब प्रतिषेध, 5 टाइप के होते हैं, प्रतिषेध करते हैं, अधिकार प्रेक्षा करते हैं, अधिकार प्रेक्षा की बात करते हैं। 5 टाइप के रिट जारी कर सकते हैं ये दोनों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इसके बाद अगर एग्जाम रिलेटेड पॉइंट की बात अगर हम करें, एग्जाम पॉइंट्स की बात करें, शायद हम रुकिए, हाँ, एग्जाम पॉइंट्स की बात करें अगर हम, तो जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे, तो संविधान की आत्मा किसे कहे हैं, आर्टिकल 32 को।
आत्मा बोले हैं, संविधान की आत्मा, संविधान की, संविधान की। अब ये कौन बोले? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। ठीक है, इसमें आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को स्वतंत्र अधिकार है। अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार कब बनाया गया है? अभी हमने जिक्र किया कि 300A में ऐसा जिक्र है, विधिक अधिकार हो गया है। क्या हो गया है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार अब हो गया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है ये कौन से केस में किया था? सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में करता है। और शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू हुआ। अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करें, अगर हम शिक्षा का अधिकार की बात करें, अगर हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब से लागू होता है? 2009 वाला लागू कब हुआ? यह होगा 1 अप्रैल 2010 में, 10 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार आया था, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे थे तो 2009 है ये, 2009 जो लागू हुआ वो कब से लागू हुआ? 2010 से, अप्रैल में। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है। किसमें निहित माना है? आर्टिकल 19(1)A में माना है। 19(1)A में जो सूचना का अधिकार है, ठीक है, तब सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो एक्ट आता है ये आता है 2005 में। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात हो रही है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए से। और किसी अभिव्यक्ति, अब जैसे अभियुक्ति है को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा किसमें है? आर्टिकल 23 में। इसमें यही है कि स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता दबाव में लाके, गवाह नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 जो धर्म से रिलेटेड है, हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है, कौन कौन है? बौद्ध, जैन, सिख है। अब बंधुआ मजदूर की बात करें जो उन्मूलन है अधिनियम भारतीय संविधान के में पारित हुआ था ये 1976 में। ठीक है, बंधुआ मजदूर की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद आता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP में कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल जो डायरेक्टली पूछते हैं ये, चाहे कोर्ट फॉर्म में पूछ लें मिलाने के लिए, तो आर्टिकल 40 जो सबसे पहले है इम्पॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन है ये। ठीक है, आर्टिकल 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 44 की बात करें अगर हम, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये हमेशा आता है, ये इम्पोर्टेंट है। समान नागरिक संहिता किसमें है? आर्टिकल 44 में है। ये गोवा में लागू है, गोवा में लागू है। और 48 की बात करें अगर हम, तो कृषि एवं पशुपालन का गठन है इसमें 48 में। और 48 का की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की बात होती है। अगर 43 का की बात करें, ये ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, 48 का में क्या है, ए में क्या है, या का हिंदी में का बोलेंगे, इंग्लिश में ए बोलेंगे। तो 43A की बात करें अगर, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार है। और वहीं 51 की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है अंतरराष्ट्रीय शांति कौन से आर्टिकल में जिक्र है, तो 51 में जिक्र है और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। और 45 की बात करें तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। और वहीं भाग 4 में ये आपको बताए थे कि जो है ये DPSP की जो जिक्र होती है, DPSP का जिक्र होगा भाग 4 में है, 36 से 51 तक है। उद्देश्य क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य है। ये क्वेश्चन भी आया है, सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक आर्थिक लोकतंत्र। और 46 की जो बात करें अगर हम, आर्टिकल 46 की बात करें तो SC ST अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं।
अभिवृद्धि की बात करती है, और आर्टिकल 47 की बात करते हैं तो राइट टू न्यूट्रिशन की बात होती है, राइट टू न्यूट्रिशन की बात होती है। ठीक है, ये क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक व्यवस्था में सुधार करने का राज्य का ये कर्तव्य है। अब एग्जाम रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात अगर कर लें हम यहाँ पर, तो जैसे कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे थे अभी हम, कल्याणकारी राज्य, इससे पहले एग्जाम से पहले अगर हम बात कर लें तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, रुक जाइए इसको हम जिक्र करते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी है। जो डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, तो ये जो है भाग 4 में है, अभी हमने जिक्र किया, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। अब प्रवृत्ति क्या है इसकी, प्रवृत्ति क्या है इसकी, तो सकारात्मक, मतलब सकारात्मक ये है कि गैरवादी हो गए, गैरवादी हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो, इस पे बहस नहीं हो सकता। और इसका उद्देश्य तो अभी हमने बताया कि जैसे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। इसमें विधान मतलब जब कुछ बनाते हैं विधि विधि तो उसमें लगा देते हैं। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो भाग 3 में इसका जिक्र है, तो अमेरिका जो है ये अमेरिका से लिया गया, और ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, मूल अधिकार की। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, आयरलैंड से, अमेरिका से लिया गया है। इसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है कि नकारात्मक है, मतलब नकारात्मक है। ये क्यों है नकारात्मक, ये इसलिए है कि वाद योग्य है, और वाद योग्य है मतलब उद्देश्य इसका क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एग्जाम पॉइंट की, अब बात कर लेते हैं यहाँ से रिलेटेड। अब एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले आता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो भारतीय संविधान में है वो है प्रस्तावना में है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो कल्याणकारी की बात हो रही है, कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है, संकल्पना, संकल्पना की बात हो रही है, ये कहाँ पर है, ये है प्रस्तावना में जिक्र है इसका, प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व में है, नीति निदेशक तत्व में है, डीपीएसपी जिसे बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसके बाद संसद में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया जो 1976, मतलब अगर इक्वल वर्क करेंगे तो इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसा है 1976 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किसमें है, जो है 39A की बात होती है। जब 39A की बात होगी तो मेल एंड फीमेल की बात होगी, और फीमेल में क्या होगा कि नागरिकता जो है नागरिकों को समान रूप से आजीविका, आजीविका के लिए पर्याप्त जो साधन संबंधी प्रावधान है वो सब मिलने चाहिए, दोनों को मिलने चाहिए 39A में। और नीचे आते हैं तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और इसमें हम जिक्र ये करेंगे कि जैसे आर्टिकल 39B की भी बात कर लें, यहाँ 39A की बात कर रहे हैं, समान आजीविका की बात हो रही थी। यहाँ पर समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाए जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, संबंधी प्रावधान हो। और वहीं जैसे ये यहाँ पर समुदाय की, यहाँ मेल और फीमेल की बात हो रही थी आर्टिकल 39A में, यहाँ पर समुदाय और भौतिक साधनों की बात हो रही है, अब बंटवारे की बात यहाँ हो रही है कि ऐसा बांटो कि किसी का एक ही, मतलब कोई एक वो ना पाए, सभी लोग को मिले। और यहाँ आर्टिकल 39C की बात करें अगर हम, तो जैसे अब यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जो आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही है, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जैसे धन और उत्पादन, जैसे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहित का संकेंद्रण ना हो, मतलब एक ही लोग के पास ना रह जाए, ये ऐसा बटे सब, आर्टिकल 39C की बात हो रही है। और वहीं 39D की बात कर लें अगर हम, डी में बात कर रहे हैं अगर हम, तो पुरुष और स्त्री फिर यहाँ पर यही हमने बात किया, मेल और फीमेल की बात की, इसके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब इक्वल वर्क,
वर्क की बात करें तो इक्वल पेमेंट भी मिलना चाहिए ये मेल और फीमेल को, ठीक है। ऐसा आर्टिकल 39(1)(d) में है, सॉरी 39(d) में है। और वहीं 42वें संविधान संशोधन जब हुआ 1976 द्वारा, मूल कर्तव्य जो जोड़े गए, ये मूल कर्तव्य हम आगे अभी पढ़ पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे, तो उसमें जो 42 अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ कि 1976 की बात होगी जब ये इसी में हुआ, तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो टोटल जो मूल रूप से थे वो थे 10, अब वर्तमान में है 11, वर्तमान में 11 है लेकिन तो मूल रूप से 10 थे। ये आ सकता है क्वेश्चन, आया भी है। संविधान में जैसे 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए वो 2002 में जोड़ा गया था। इसके बाद आते हैं यही पर हम लिख दें 2002, ठीक है, फंडामेंटल 11वां जोड़ा गया ये। और वही स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष समिति जो जो स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या थी 12। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति जो थी JS वर्मा समिति थी। अब ये किसके लिए थी 1999 में, ये किसके लिए थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए थी, ये प्रभावी बनाने के लिए बात हो रही थी कैसे प्रभावी बनाया जाए। और वहीं 86 अभी हमने जिक्र किया कि जो 86 में अब क्या जोड़ा गया 2002 में, इसमें ये जोड़ा गया कि जो जैसे अभी हमने आर्टिकल 21 में भी जिक्र किया है, ऐसा इसके अंतर्गत ही जिक्र किया है, तो अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये कानूनी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया 86 में, ऐसा किया गया। इसके बाद हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, तो ये किसमें है, फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र जो आएगा वो 51A में आएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले कुल बता दें 11 है, टोटल टोटल 11 है। इसके बाद आता है प्रेरणा स्रोत कहाँ से है, मतलब कहाँ से है कि पूर्व सोवियत संघ जो था, जब सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ, ठीक है, जो वर्तमान में रूस है, रूस है वर्तमान में, रूस वर्तमान में है, वहां से लिया गया। अब अनुशंसा किसकी थी, अभी हमने जिक्र किया, अनुशंसा की बात कर ही रहे थे, अनुशंसा की बात कर रहे हैं तो स्वर्ण सिंह समिति जो इसको प्रभावी बनाने की बात कर रहे थे, स्वर्ण सिंह समिति, अभी हमने जिक्र किया कि जो स्वर्ण सिंह समिति थे इससे पहले, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति इससे पहले ये हमने डिस्कशन किया था अनुशंसा। अब किसमें जोड़ा गया ये इंपॉर्टेंट है, तो 42 किसके तहत जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया, या मूलतः अभी हमने बताया था मूल रूप से जो थे वो 10 थे, ठीक है, जब इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद आता है कि जो संविधान में जो उल्लेख है, संविधान में कहाँ उल्लेख है इसका, तो 4A भाग 4A है इसका, 4A 4 का बोल सकते हैं, और आर्टिकल जो है इसमें AA ही जुड़ रहा है, तो 51A में है ये, है इसके अंतर्गत आता है। अभी हमने एक पॉइंट डिस्कशन किया कि टोटल अभी है वर्तमान में 11 है, मूल रूप से 10 थे, पूर्व सोवियत संघ से ये जो है प्रेरणा स्रोत है, इसका प्रेरणा स्रोत लिख देते हैं, प्रेरणा स्रोत कहाँ से लिया गया, प्रेरणा स्रोत पूर्व सोवियत संघ मतलब जो वर्तमान में रशिया है। अनुशंसा किसकी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति, और जोड़ा कहाँ से गया 40, ये कहाँ कैसे जोड़ा गया कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी इतने जिक्र किए ही, तो अब इसमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि 11 क्या क्या है हमारे, तो 11वां तो हमने बताया कि 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया 2002 में, वो क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात हो रही है, जो माता पिता या संरक्षक हैं वो दिलवाएंगे शिक्षा, ये लागू है और अब इसको फॉलो भी किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम पहले की बात करें, हम सबसे पहले पहले ही की बात कर लें अगर हम, तो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं और इसी में बात करते हैं कि संविधान का पालन करें, जैसे सबसे पहले आता है हमारा संविधान का पालन करें, पालन करें, और पहला आता है और उसके आदर्श जो है, और उसके
आदर्श हम पहला दूसरा लिखेंगे, आदर्श, आदर्शों जो है, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज की बात होगी, राष्ट्रध्वज और जो राष्ट्रगान है, यहाँ राष्ट्र से रिलेटेड जितना कुछ है उसको पालन करो आप, आदर करो उसका, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, ठीक है, कोई कहने नहीं आएगा, ये स्वयं से आना चाहिए। उसके बाद आता है स्वतंत्रता के लिए, जैसे दूसरे की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए जो है हम राष्ट्रीय आंदोलन, जो आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो थे, आदर्श, आदर्शों को हृदय से, हाँ हृदय लिखा है, ऐसा हृदय लिख दिया जाए, हृदय में संजोएं और उनका पालन करें, और उनका पालन करें, पालन करें। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या जिक्र किया, जो यहाँ पर संविधान का पालन करना है, उनके आदर्शों को, जो संस्थाएं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, ये सबका आदर करो। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए जो लड़े हैं हमारे, उनका भी पालन करो, उनके मतलब उनको आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनको भी हृदय से संजो, हृदय में संजो और उनका पालन करो। और वहीं अगर हम बात तीसरे की करें तो भारत की जो संप्रभुता है ये अच्छा है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, जो है अखंडता की रक्षा करना है, रक्षा करें और इसे अक्षुण रखें, ये जब भी अक्षुण भी रखें, अक्षुण, अक्षुण रखें, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। और चौथे की बात करें तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, रक्षा की बात करते हैं किसकी, देश की, और जब आह्वान किया जाए मतलब बुलाया जाए तो इसमें सेवा भी करें, ठीक है। इसके बाद आता है, हम 11 टोटल करेंगे, 4 ही हुआ है अभी, पांचवा की बात करें हम तो भारत के सभी लोगों की समरसता, ठीक है, समरसता, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जैसे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यहाँ पर जो बात होगी, जैसे कोई भी जो मतलब भेदभाव क्रिएट करे उससे आप जो है दूर रहें, और जो है स्त्रियों के विरुद्ध जो सम्मान हो उसको ना पालन करें, जैसे ऐसे कुछ प्रथाएं हैं जो चल रहे हैं स्त्रियों के विरुद्ध, उसको हटाएं आप। और वहीं छठवें की बात अगर करें हम तो जो हमारी सामाजिक संस्कृति की बात है, गौरवशाली परंपरा का है, उसको समझें और परिरक्षण करें उसका, जो संस्कृति की बात करते हैं इसमें, अब इसमें ही बात कर लें, भेदभाव की बात कर लें, भेदभाव, पांचवें भेदभाव, स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्रियों की बात करते हैं, जो प्रथा है उसको समाप्त करें या अनुपालन करें, अनुपालन मतलब, अनुपालन मतलब पालन में समझ लीजिएगा। संस्कृति की बात करते हैं इसमें, जो हमारे गौरवशाली संस्कृति है ये सब का समझें और इसको, और सातवें की बात करें अगर, सातवें में क्या है कि जो पर्यावरण की बात होती है, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें इसकी, रक्षा करना है आपको और उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति, आजकल जो मार के खा जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्राणी मात्र के प्रति जो है दया की भावना रखें। इसके बाद आता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है हमारे, ऐसे 51A में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण रखें, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विश्वास, विकास करें। इसी में ही अगर हम बात करें नवा पॉइंट, तो जो है सार्वजनिक संपत्ति जो है, जो अपना सब लोग समझने लगते हैं, सार्वजनिक संपत्ति जो है, सार्वजनिक संपत्ति की बात हो तो उसको सुरक्षित रखें, जो है सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, एंकर पॉइंट डाला करिए, एंकर पॉइंट रखने से ये होता है कि
याद रहता है कभी भी एग्जाम में, चाहे कितना बड़ा भी आर्टिकल हो, उससे मतलब एंकर पॉइंट रखने से याद रहता है वो पॉइंट। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें इसमें है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और, यहाँ पर प्रगति की बात हो रही है, ठीक है, प्रगति की बात हो रही है, जब राष्ट्र को या व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसको मतलब ऐसा बनाओ कि वो प्रगति करे, ये नहीं कि गिर जाए। राष्ट्र हो या राज्य हो या व्यक्ति हो या कोई भी हो, निरंतर प्रयास करते रहे और ऊंचाई पर पहुंचे वो, ठीक है, ऊंचाइयों को छुए, ऊंचाइयों को छुए। और वहीं अगर हम 11 की बात करें, तो अभी अभी हमने बताया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की बात होती है, वो भी निःशुल्क की बात होती है, निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। ये गार्जियन या माता पिता हैं जो संरक्षक हैं बच्चों के, उनको उनकी जिम्मेदारी है ये कि ऐसा दें, शिक्षा दें उन्हें, अशिक्षित ना रखें। अब ऐसा है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2002 में हुआ था ऐसा, तब से सर्व शिक्षा अभियान का जो है ये स्लोगन यहीं से आता है। और इसके बाद आता है यथास्थिति में पाले को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अधिकार है इसमें, शिक्षा का बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं, ये आर्टिकल 21 की बात करते हैं इसमें, शिक्षा के अधिकार। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो है